Sir, welcome you all on this channel of mine with a new poem. That is, O Thou My Lovely Boy, Who In Thy Power, which is sonnet number 126 by William Shakespeare. So, O Thou My Lovely Boy, Who In Thy Power, matlab ki my lovely boy. So, first of all, hum ye jaan lete hain ki William Shakespeare ne 154 sonnets likhe the, jisme inhone shuru ke 126 सॉनेट्स को फेयर यूथ को डेडिकेट किया था, ठीक है, और उसके बाद वाले सॉनेट्स उन्होंने डार्क लेडी को डेडिकेट किया था. तो ये उनका फेयर यूथ को लास्ट डेडिकेटेड पोएम है विच वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ. लेट्स बिगिन द पोएम. ओ दाउ माई लवली बॉय हु इन दाई पावर, तो ओ मेरे लवली बॉय, ओ माई फेयर यूथ, जो इस समय तुम पावर में हो. पावर किसके वजह से हो? फेयर यूथ, अपने फेयरनेस की वजह से, अपने चार्म की वजह से, अपने यंगनेस की वजह से, यूथनेस की वजह से आप इस समय यहाँ पर हैं. डस्ट होल्ड टाइम्स फिकल ग्लास इन हिज फिकल आर, और तुम्हारे इसी यूथ की वजह से, तुम्हारे इसी फेयरनेस की वजह से जो फिकल ग्लास है, फिकल ग्लास मतलब जो समय धीरे 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 चलता जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हम सब के लाइफ में एक समय आता है जब हम चाइल्ड होते हैं, फिर एडल्ट होते हैं, फिर ओल्ड होते हैं. बट ये जो इसका पावर है, पावर क्या है इसकी, फेयरनेस इसके पावर है, ये सिकल आर, सिकल आर मतलब कि एक्सीडेंटल चीज़ें. फॉर एग्जांपल, आपका डेथ हो जाना सडन, या फिर आपका आपके साथ कुछ हादसा हो जाना, या फिर धीरे धीरे चीज़ें यू नो हटते जाना आपके लाइफ से, आपके बॉडी पर रिंकल्स आना, एक्ने आना एंड ऑल दैट, विथ विच आपका जो चार्म है, आपका जो फेयरनेस हो, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा. हु हैज़ बाई वेनिंग ग्रोन एंड देयर इन शोस्ट, लेकिन इन सब के बावजूद तुम्हारी जो पावर है, तुम्हारी जो शक्ति है, तुमने अपने साथ पकड़ के रखी है. और बाई वीनिंग ग्रोन मतलब धीरे धीरे वो बढ़ते ही गया है, घट नहीं रहा है. मतलब जो तुम्हारा फेयरनेस है, जो तुम्हारा यूथ है, जो तुम्हारा यूथफुल ब्यूटी है, वो धीरे धीरे और बढ़ रहा है, बिल्कुल भी घट नहीं रहा. दाई लवर्स विदरिंग एज दाई स्वीट सेल्फ ग्रोस्ट, तुम्हारे लवर्स तक विदर हो जा रहे हैं. तुम्हारे लवर्स जो हैं वो धीरे 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 ओल्ड हो जा रहे हैं, वो धीरे 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 हट जा रहे हैं, चाहे उनके यू नो ओल्ड एज आ जा रही है, चाहे उनके शरीर पे कुछ अलग चीज़ें हो जा रही है, मतलब उनका ब्यूटी छिन जा रहा है. लेकिन जो तुम्हारा सेल्फ, स्वीट सेल्फ है, मतलब कि तुम्हारी अंदर की जो स्वीटनेस है, जो काइंडनेस है, जो फेयर है, फेयरनेस है, वो धीरे धीरे बस बढ़ रही है, बिल्कुल भी घट नहीं रही है. इन नेचर सॉवरेन मिस्ट्रेस ओवर रैप, और जो नेचर है, जो सबकी सॉवरेन है, सॉवरेन मतलब जो सुप्रीम है. कहते हैं ना कि दुनिया में सब एक तरफ और नेचुरल डिजास्टर्स एक तरफ, मतलब कि कुछ भी हो जाए लेकिन जब नेचर चाहेगी तो अपना काम करके ही रहती है. और जो नेचर जो इतनी सुप्रीम है, वो भी क्या कर रही है, एज द गोस्ट ऑनवर्ड स्टिल विल प्लक दी बैक, वो भी जैसे ही तुम टाइम के साथ साथ आगे बढ़ रहे हो, मतलब कि ओल्ड एज की तरफ बढ़ रहे हो, वो नेचर तुमको अपने आप ही वहाँ से खींच दे रही है. शी कीप्स दी टू दिस पर्पस दैट हर स्किल मे टाइम डिस्क्रीज एंड रेस्ट मिनट किल, और ये काम तुम्हारे फायदे के लिए नहीं कर रही है, ये नेचर अपने फायदे के लिए कर रही है, क्योंकि वो टाइम को, समय को नीचा दिखाना चाहती है कि देखो तुम्हारे प्रभाव से मैंने इस इंसान को छीन लिया है, बचा लिया है. येट फियर हर ओ दाउ मिनियन ऑफ अ प्लेजर, मिनियन मतलब प्रेजर, मतलब कि आप उनके प्लेजर्स के प्रेज कर रहे होगे, या फिर तुम बहुत गुणगान कर रहे होगे, हाँ नेचर तो मेरे साथ है, मेरे साथ कुछ हो नहीं सकता. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम उससे भी डरो, क्योंकि शी मे डिटेन बट नॉट स्टिल कीप हर ट्रेजर, कि वो कुछ दिन रोक तो सकती है लेकिन तुमको अपने साथ अपनी तिजोरी की तरह रख नहीं सकती. कहने का मतलब कि जो नेचर है वो समय को थोड़े देर के लिए रोक सकती है, थोड़ी देर के लिए तुम्हारी लाइफ में अनहोनी होने से बचा सकती है, लेकिन वो हमेशा के लिए तुमको अपने पास नहीं रख सकती. हर ऑडिट दो डिलेड आंसर्ड मस्ट बी एंड अ क्वाइटस इज टू रेंडर दी, और जो इसका ऑडिट मतलब कि जो भी इसका बिल, ऑडिट मतलब क्या होता है बिल, जब इसका बिल भर जाएगा अपने आप ही उसको हिसाब चुकाना पड़ेगा. और क्वाइटस इज टू रेंडर दी मतलब होता है उसका हिसाब किस तरह से चुकतेगा, तुमको अपने लाइफ से हटा, मतलब कि नेचर तुम्हारे पर से अपना हाथ हटा देगी, तुमको वापस उस टाइम के मशीन में या फिर उस टाइम को वापस सौंप देगी और फिर उसका बिल भर जाएगा. तो ये एक तरह से यही कहना चाहते थे कि फेयर यूथ को, कि अब ये शायद ऑफकोर्स जैसा कि मैंने बताया कि सोनेट 126 वॉज द लास्ट सोनेट फॉर डेडिकेटेड फॉर फेयर यूथ, एंड आफ्टर दिस फ्रॉम 127
The sonnets were dedicated to his love, that was a dark lady. Okay, one dark lady was there and it was dedicated to her. So this was all about the